नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। दोस्तों अभी आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो भी लोग इंडियन नेवी AMR 4/2020 बैच की वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए वेट कर रहे थे, उन लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और आपकी डेट और सारी चीज़ें आ गई हैं कि कब से आपको अप्लाई करना है, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आप लोग सब कुछ बताने वाला हूं क्योंकि इस बार बहुत सारे बदलाव भी हो गए हैं, जिससे कि थोड़ा सा दुख भी होगा कुछ लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फाइनली उन्होंने जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया और सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में। नोटिफिकेशन की ओर हम लोग चलेंगे। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इंडियन नेवी की सबसे अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। और हाँ, नोट्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों कई सारे फेक नोटिफिकेशन को झेलने के बाद फाइनली ये रहा आपके सामने जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। और जो भी लोग आपसे बोल रहे थे कि एक बार आ चुकी है म्यूजिशियन की वैकेंसी तो अभी नहीं आएगी, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है। मैंने तो शुरू से बोला था कि आपकी जो वैकेंसी है वो आएगी ही आएगी। तो अब हम देखते हैं इसमें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन सी डिटेल्स का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले तो देखते हैं, दी इंडियन नेवी इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फ्रॉम फॉर इनरोलमेंट एज सेलर्स फॉर मैट्रिक रिक्रूट AMR अप्रैल 2020 बैच फॉर कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 2020। एलिजिबिलिटी कंडीशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन एज लेड डाउन बाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इनरोलमेंट एज सेलर्स फॉर 400 वैकेंसीज अप्रॉक्सीमेटली फॉर मैट्रिक रिक्रूट AMR अप्रैल 2020 बैच। तो इसमें भी 400 वैकेंसीज है, पिछली बार भी 400 वैकेंसीज ही थी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी स्टेट से। उसके बाद है जॉब स्पेसिफिकेशन में, तो आपका सेफ है, स्टेवर्ड है, हाइजेनिस्ट है। सेफ में आपको जो है खाना बनाने के लिए और वो किचन से संबंधित है। उसके बाद स्टेवर्ड जो है वो आपको वहाँ पे सर्व करना होगा फूड को ऑफिसेज में, ऑफिसर्स मेस पे। और उसके बाद हाइजेनिस्ट जो साफ़ सफाई के लिए है, ये सब तीनों के लिए अलग अलग काम है। इसके बारे में अगर आप लोग बोलेंगे तो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि तीनों को क्या क्या करना पड़ता है और तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना। अब एज लिमिट की ओर चलते हैं, तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2002 31 मार्च 2003। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 98 से कर दिया गया है 2000, यानी कि जो 99 वाले लोग थे उन लोगों के साथ बहुत ही दिक्कत हो गया, उन लोगों को एक और मौका नहीं मिल पाया और ये बहुत ही दुख की बात है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उन लोग का डिसीजन है तो उसको मान्य तो करना ही पड़ेगा। और एक और चीज़ कि मैंने पहले ही बोला था कि जो लोग 99 वाले हैं वो लोग कम ही चांस रखना, कम ही अपने दिमाग में रखना कि आपको AMR में मौका मिलने वाला है। तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था, फिर भी बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी और मैं भी चाहता था कि हो जाए 99 वालों का, लेकिन उन्होंने पहले से भी वेबसाइट पे दे रखा था सारी डिटेल्स के बारे में। तो क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए आप दूसरी जॉब्स के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, यही बोल सकता हूं मैं। अब चलते हैं नीचे की ओर, आगे बात करते हैं पे और इन सब चीज़ों के बारे में, तो पहले भी बता चुका हूँ, बाद में भी मैं बता दूंगा। आगे बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ऑफ रिक्रूट इज बेस्ड ऑन स्टेट वाइज मेरिट ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT एंड फिटनेस इन मेडिकल एग्जाम्स। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले तो आपका, जिसमें कि आपका 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा। उसमें आपका बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ होंगे। और उसमें आपका होगा दो सेक्शन, ठीक है, पहले सेक्शन में क्या होगा साइंस और मैथमेटिक्स, दूसरे में होगा जनरल नॉलेज, दोनों में 25-25 के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, आपका जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन पेपर का वो होगा 10th के सिलेबस पे और उसी पे जो सैंपल पेपर दिया गया है 2019-20 के लिए, तो वो मैं कल क्लियर कर दूंगा सैंपल पेपर और सिलेबस के लिए वीडियो कल आ जाएगी आप लोगों को मॉर्निंग में, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 30 मिनट्स, 30 मिनट मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एंड इन एग्रीगेट, आपको हर सेक्शन में करना होगा क्वालिफाई, ठीक है, एग्रीगेट में भी। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, आपका रॉन्ग आंसर के लिए क्या होगा,
माइनस वी है, यानी माइनस मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। इतने मार्क्स कट जाएंगे अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसमें कि क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। आपका पीएफटी में सिलेक्शन वो मैंडेटरी है क्वालिफाई करना। PFT will consist of 1.6 km run to be completed in 7 minutes, 20 squats, uthak baithak and 10 push-ups. Candidates undergoing PFT will do so at their own risk. मतलब आप अपना जो भी PFT में देंगे वो अपने रिस्क पे देंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं, जो कि रिवाइज हो चुका है, तो एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग बोलेंगे तो मैं एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा। बाकी जो एग्जामिनेशन फी है सेम रखी गई है पिछले टाइम की तरह ही, 205 रुपये आपको देने होंगे फी के रूप में, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अब चलते हैं इधर दूसरे साइड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और लिखा हुआ है, क्या एडमिट कार्ड फॉर दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड दी एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फी और आर इंटाइटल्ड टू वेबर ऑफ एग्जामिनेशन फी। तो जो लोग भी अच्छे से अपना जो है, ये तो सबको पता है, फॉर्म कंप्लीट करेंगे और एग्जामिनेशन फी देंगे, उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई क्रिटेरिया नहीं है कि इतने परसेंट आपके होने चाहिए, आपके मिनिमम से मिनिमम परसेंटेज हैं, आप सिर्फ पास हो अगर 10th में तब भी आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखना। अब चलते हैं आगे। कैंडिडेट्स हैव टू चूज एनी टू लोकेशंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन एज पर देयर कन्वीनियंस। कैंडिडेट्स कैन अलॉटेड एनी लोकेशन व्यू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। एग्जामिनेशन सेंटर कैन नॉट बी चेंज वंस सिलेक्टेड बाई द कैंडिडेट्स और अलॉटेड बाई द इंडियन नेवी। कॉल अप लेटर कम एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंडिकेटिंग डेट टाइम एंड प्लेस विज आर शेड्यूल्ड ड्यूरिंग सेप्टेम्बर 2019 वुड बी रिक्वायर्ड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट टेंटेबली बाई वन वीक बिफोर एग्जामिनेशन। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि आप जो सिटी सिलेक्ट करेंगे अपने एग्जाम के लिए वो फाइनल हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सितंबर में आपका जो एग्ज़ाम होगा सितंबर 2019 में, और जो आपका एडमिट कार्ड होगा वो आपका एग्ज़ाम से, मान लो कि आप 24 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, होगा नहीं, ये मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 24 से हो रहा है तो उसके एक हफ्ते पहले यानी 16-17 को जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। ये चीज़ समझ गए आप लोग। अब चलिए नीचे की ओर चलते हैं। नीचे है हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joininindiannavy.gov.in फ्रॉम 26 जुलाई 2019 टू 1 अगस्त 2019, यानी 26 जुलाई से 1 अगस्त, बहुत ही कम टाइम दिया गया है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि डेट जो है बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंक्रीज करना ही पड़ेगा उन्हें, जिस तरीके से कैंडिडेट्स हैं और वेबसाइट का स्लो होना तय है। लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसी डेट में आप लोग अप्लाई कर लो, ठीक है। अब नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो क्या और कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। जो चीज़ें आपका फोटोग्राफ के बारे में दिया गया है कि द फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी विद ब्लू बैकग्राउंड। आपका जो है फोटोग्राफ वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको डालने के लिए दिए गए हैं, यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और कुछ ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है जो कि बताने लायक हो, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब इसमें है नहीं। हाँ, एक चीज़ है जो आपका मेरिट लिस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, वो क्या है 21 फरवरी 2020 को अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे। जो इस वैकेंसी के लिए मेरिट लिस्ट होगी वो 21 फरवरी 2020 को, और जो इससे पिछली वाली थी वो 22 अगस्त को आएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर रखिएगा आप लोग। बाकी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आपका शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, यानी आपका जो फेज़ वन का एग्ज़ाम दे लेंगे, फेज़ वन मीन्स कि आप जब रिटन एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम का परफॉर्मेंस होगा वो बेस्ड होगा आपके स्टेट पे। स्टेट में आपका जितना, मान लो 31 कट ऑफ आपके स्टेट का है, तो फिर आपका 31 से अधिक या फिर 31 होना चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। किसी स्टेट में मान लो 25 है तो वो बंदा भी क्वालिफाई होगा, और अगर आपके यहाँ 31 है
तब भी आप क्वालिफाई करेंगे, आपका 25 होगा तो नहीं होगा। तो इस तरीके से स्टेट वाइज इनका जो है कट ऑफ निकलता है, मेरिट लिस्ट के लिए भी, एग्जामिनेशन के लिए भी। बस इतना है कि जो पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाता था स्टेट वाइज ही आपका एडमिट कार्ड के लिए भी, उसमें चेंजेस करके पिछली वैकेंसी से और सेम कर दिया गया जैसे था वैसे ही। तो बस ये सब चीज़ें थी और कुछ इसमें खास है नहीं। अगर और कुछ आपको जानना है खुद से, अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हो कुछ डाउट, तो आप लोग बिल्कुल बिना घबराए कमेंट बस करना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर, उस टॉपिक पे अगर ज़्यादा बहुत सारे कमेंट आ गए तो मैं उस पर जो है वीडियो, एक प्रॉपर वीडियो बना के दे दूंगा आप लोगों को। बाकी अगर पर्सनली कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाओ, फॉलो करो, मैसेज करो और मैं रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कितने खुश हो इस वैकेंसी के आने से। और बाकी क्या है, बाकी अगर चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से तैयारी यहाँ पे मैं करवाऊंगा आप लोगों के AMR एग्ज़ाम के लिए। एक और चीज़ है कि रिजल्ट जो है आपका वो 30 दिनों के अंदर घोषित किया जाएगा और 1600 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा PFT और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो बस ये सब चीज़ें थी, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।